नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हील योर हार्ट आफ्टर अ पेनफुल ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद अपने दिल के दर्द को कैसे दूर करें, इसके ऊपर आज की ये वीडियो है। सो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके रिलेशनशिप में ऐसे इशूज़ हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं पंगे, तो बी स्ट्रांग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज़्यादा हर्ट करता है ये चीज़, कितना ज़्यादा दर्द होता है। सो खुद का ख्याल रखिए और थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी आपका दोस्त होस्ट और कोच है यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कोई एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है क्रेजी फिलोसफर ऑफिशियल के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैं मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कोट्स पोस्ट करता हूँ जो आपको एक वे देंगे लाइफ में कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को हारना नहीं है, मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को चलते जाना है। जैसे लाइफ चल रही है मेरे को चलना है, दैट्स इट, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपका ब्रेकअप होता है, जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है तो दर्द कितना होता है। दर्द उतना ही होता है जितना दर्द आपको किसी बीमारी में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं, या फिर हम नहीं समझते हमारा ब्रेकअप हुआ है तो, और ख़ुद को हील नहीं करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब हम खुद को हील नहीं करते हैं, जब हम खुद की केयर नहीं करते हैं, तो कई लोग क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कई लोग स्टक कर जाते हैं, कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं एक लॉन्ग रन के लिए। तो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके रिलेशनशिप में इशूज़ चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले खुद को आप हील कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद का ख्याल रखिए। नहीं रखेंगे कोई नहीं रखेगा, यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप खुश रहेंगे, आपके पास चार लोग रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप हो। तो आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको खुद की केयर करनी पड़ेगी, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा मेरे दोस्त, तो ये करना स्टार्ट कीजिए। ये था रीज़न कितना ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम दर्द ना होने पे उस चीज़ का इलाज ना करें, खुद की केयर ना करें, तो ये बहुत बढ़ सकता है, डिप्रेशन तक जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइफ में आप स्टक हो सकते हो। समझ रहे हो मेरे दोस्त, इस चीज़ का ख्याल रखो। कैसे हील करें, हील तो हम सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है हील, बट एक माइंडसेट चाहिए होता है हील करने के लिए, कि मेरे को कैसे हील करना है खुद को, मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। माना कि टाइम लगता है हील करने में, मतलब इट टेक्स टाइम टू हील योर सेल्फ, बट कितना टाइम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद को हील करते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आपने अपना माइंडसेट कैसा बनाया हुआ है। किसी भी इंसान से आगे बढ़ना है आपको अपनी लाइफ में, मूव ऑन करना है ब्रेकअप के बाद, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको दोस्त, और वो ये है कि जिन लोगों को ये पता होता है कि उनका रिलेशनशिप क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा था, अगर ये पता है आपको कि हाँ ये रीज़न था, इसकी वजह से मेरा जो रिलेशनशिप है वो वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो आप जल्दी आसानी से मूव ऑन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और आपको पता ही नहीं है कि यार मेरे को नहीं पता है कि मेरे रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्या हो रहा था, मेरे को कुछ नहीं पता है, तो आप स्टक कर जाएंगे। तो एक रिसर्च किया गया, रिसर्च से पता चला कि ऐसे लोग जिनको पता होता है कि उनके रिलेशनशिप ना चलने का रीज़न क्या है, वो बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं, और जिनको पता नहीं होता है कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से उनका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, वो स्टक कर जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो इसी चक्कर में लगे रह जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो हम दोनों नहीं हो पाए लॉन्ग रन के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जानिए कि क्यों आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, आपको एक वे मिल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ थी, अब इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा, वर्कआउट नहीं करा, नहीं करा, अब आगे बढ़ना है। समझ रहे हो मेरे दोस्त, एक वे। और किसी भी इंसान से आपको आगे बढ़ना है तो एक और चीज़ मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊँगा, वो ये है, अगर किसी इंसान के साथ रहना है, अगर किसी इंसान के पास रहना है, तो उसकी जितनी गुड क्वालिटीज़ हैं वो खुद को रिमाइंड कराते रहो, वो खुद को काउंट कराते रहो। एक लंबा सा पर्चा ले लो, उसमें लिख लो उसकी गुड क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, हमेशा याद कराते रहो, ये बंदे में ये अच्छाइयाँ हैं, बंदी में ये अच्छाइयाँ हैं, आप रहोगे उसके साथ। बैड क्वालिटीज़ हैं, एक पेज में बैड क्वालिटीज़ लिख लो, अगर आपको किसी इंसान से दूर होना है, अगर आपको किसी इंसान के चक्कर में नहीं पड़ना है, फेरे में नहीं पड़ना है, दूर हो जाओ उससे, बस लिख लो कि यार ये दिक्कतें हैं, ये चीज़ें हैं, खुद ही आप दूर हो जाओगे,
तो किसी इंसान के पास रहना है तो हमेशा उसकी गुड क्वालिटीज़ को रिमेंबर कराओ, खुद को याद कराओ। किसी इंसान से दूर रहना है तो उसकी जो बैड क्वालिटीज़ हैं उससे दूर रहो। बहुत सारी रीजन्स हो सकते हैं कि अरे उसमें ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब अल्टीमेटली वो बंदा या बंदी पूरी दुनिया के लिए भले ही भगवान हो, अगर मेरे लिए सही नहीं था या मेरे लिए सही नहीं थी, वो चीज़ निकालना है आपको कि यार वो भले ही पूरे दुनिया का मतलब शाहजहां हो, रानी हो, राजकुमारी हो, राजकुमार हो, लेकिन मेरे लिए वो कुछ नहीं था। बस ये खुद को रिमाइंड कराना है कि ही और शी इज़ नॉट राइट फॉर मी। और वो ये दुनिया का एंड नहीं है कि वो एकदम बेस्ट था। अब हमें यही लगता है कि हाँ वो इंसान जो है ना वो बेस्ट था, उसके जैसा मेरे को नहीं मिल सकता, उसके जैसी मेरे को नहीं मिल सकती, तब हमारा जो है तब हमें ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट होता है कि ओ आई हैव लॉस्ट समथिंग वेरी बिग, आई हैव लॉस्ट समथिंग वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें लगता है कि यार हमारा तो लॉस हो गया। और जब इंसान को लॉस होता है तो इंसान उसी चीज़ में स्टक कर जाता है। गेन के बारे में बाद में सोचता है इंसान, इंसान पहले लॉस के बारे में सोचता है। इंसान की साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड है, ये कैसा ह्यूमन माइंड हमारा सोचता है, ये है। समझ रहे हो आप? तो एक पेज ले लो, एक कलम ले लो और लिखना स्टार्ट करो उस इंसान की बैड क्वालिटीज़। और जब भी आपको याद आए याद कराओ, अरे ऐसा, अरे वो 10 बार मेरे को बोलती थी कि अरे और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए, या फिर वो मेरे को 10 बार बोलता था और सुना और सुना और सुना और सुना और सुना। कुछ भी, मैं एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा आपको मजाकिया लग सकता है बट मैं एज एन एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। समझ रहे हो आप? खुद को बदलो, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर नंबर, सब कुछ चेंज कर दो, सब कुछ। उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, अपना माइंड सेट बदल दो कि मेरे को अब आगे बढ़ना है लाइफ में, जो होना था वो हो गया है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है, मेरे को आगे बढ़ना है, दैट्स इट। वो हवा नहीं था, वो पानी नहीं था, वो ऑक्सीजन नहीं है कि मेरे को ऐसे ऐसे करना, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ उसके बिना, मैं आगे बढ़ सकती हूँ उसके बिना, दैट्स इट। ये चीज़ रखिए अपनी लाइफ में, खुद को बदल लो मेरे दोस्त। लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम लगता है, मैं मानता हूँ टाइम लगता है, लेकिन कितना टाइम लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 15 दिन में भी अच्छे तरीके से आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें 5 साल भी लगा सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपको 15 दिन में मूव ऑन करना है या फिर आपको 15 साल लगा देने हैं। कि स्टक हैं अभी तक, 5 साल के बाद भी स्टक हैं, अरे यार वो तो थी वही थी सब कुछ, वो जो था वही था सब कुछ, इतना ज़्यादा स्टक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका लेवल क्या है सोचने का, आपका आप कहाँ तक सोच रहे हो। सोच रहे हो भाई तो आपको लगेगा ही भैया 2 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, टाइम गुजर जाएगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए चलना है, किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है कि हाँ मैं स्टक कर जाऊँगा। नहीं मेरे दोस्त, आगे बढ़ना है आपको, चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ना मत छोड़िए, कीप गोइंग, मूव फॉरवर्ड, ठीक है मेरे दोस्त। और ऐसा थोड़ी यार कि एक लड़की के जाने से, एक लड़के के जाने से आपकी ज़िंदगी एकदम सूनी वीरान हो जाएगी, समझ रहे हो? वो बस एक लड़का था, वो एक लड़की थी, दैट्स इट। वो आपके लिए और कुछ नहीं है। आपके लिए अभी भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके ये हैं, आपके वो हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। आपका पैशन है, आपके सपने क्या हैं, आपके माँ बाप के सपने क्या हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, माँ बाप के सपने क्या हैं, माँ बाप की क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में सोचा है कभी आपने? नहीं। एक लड़की से और लड़का से हमें फुर्सत ही नहीं मिलता भैया, हम उसी में लगे हैं कि उस लड़की के सपने क्या हैं, उस लड़के के सपने क्या हैं, उसी में हम लगे हैं। कभी मम्मी पापा के बारे में भी सोच लो कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, उन्होंने क्या लगा रखा है कुछ आपसे कि यार ये लड़का मेरे लिए ये करेगा, ये लड़की मेरे लिए ये करेगी, हमारी लड़की ये करेगी, हमारा लड़का ये करेगा। हम इसके बारे में नहीं सोचते, हमें लगता है कि यार ओ वो लड़का वो लड़की भैया, तो आप स्टक ही करेंगे। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड सोचिए कि कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, कैसे मेरे को मूव ऑन करना है, ठीक है मेरे दोस्त? बस इतना कहना चाहता था और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने दिनों में मूव ऑन करने वाले हो, या फिर अगर आपने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में, और कितने दिन में किया था, कितनी आसानी से किया था, कितनी जल्दी किया था, आपने क्या टिप्स अपनाए थे,
मूव ऑन करने के लिए, वो जरूर आप कमेंट करके लिखिए उसमें, ताकि दूसरों को, दूसरों की हेल्प हो पाए, ताकि वो भी उससे एक सीख ले पाएँ कि हाँ यार ऐसे हम भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच बस इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।